बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी हैविंग अवर 24th लेक्चर, बट बिफोर एंड दैट इज अबाउट द मोनोपोली कॉम्पिटिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट टॉपिक, एंड दैट वॉज अबाउट न्यू गवर्नेंस रूल्स, सर्बन्स ऑक्सले एक्ट 2002. Actually, that act was introduced by the U.S. government and signed by the George W. Bush in 2002. It was also known as Public Company Accounting Reforms. Sarbanes-Oxley Act contained laws pertaining to corporate governance. The main focus of the Sarbanes-Oxley Act that was to regulate auditors and created laws pertaining to corporate responsibilities and increased punishment for corporate white collar crimes. Main focus basically usme Sarbanes-Oxley Act mein that was about how we can regulate the auditors, because auditors play a very important role in the corporate governance. Jitne bhi scandals rise hote hain in market, mostly usme auditors ka bahut bada haath hota hai. सो जो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, उनकी ड्यूटीज़ क्या थी? द फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू मेक श्योर कि कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज में. देन द नेक्स्ट ड्यूटी वॉज द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, मेक श्योर कि कंपनी में यू हैव स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसेस. देन इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स विद द प्रॉपर और विद द रेगुलर इंटरवल, जो बोर्ड था देवर इन प्रैक्टिस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट फर्म्स. देन इन्वेस्टिगेशन एंड सेंक्शंस, एंड इफ दे फाउंड समथिंग रॉन्ग और समथिंग फ्रॉड, सो ऑब्वियसली दे कैन मेक द फर्म सम विद सम सेंक्शंस. देन इम्प्रूव ऑडिटिंग सर्विसेज, दे कैन मेक श्योर कि कंपनी की जो ऑडिटिंग सर्विसेज हैं उसमें ISIS इंप्रूवमेंट आ रही है. देन कंप्लायंस विद द रूल ऑफ बोर्ड एंड ओवरसी द बोर्ड बजट. ऑडिट इंडिपेंडेंस, अकाउंटिंग फर्म विल नॉट परफॉर्म बोथ ऑडिटिंग एज वेल एज कंसल्टिंग एक्टिविटीज फॉर अ सिंगल फर्म. जो मेन फोकस था ऑडिटर का वो ये था कि बेसिकली ऑडिटर अकाउंटिंग फर्म जो है वो किसी भी एक कंपनी के लिए एज ऑडिटर काम नहीं करेगा, एज वेल एज ए कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर. बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू एंटिटीज, दैट इज ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग. चेंजेस आफ्टर 5 ईयर्स इन ऑडिट टीम. दूसरी बात यह थी कि कंपनी जो उसकी जो ऑडिट टीम है उसमें वो हर 5 साल के बाद चेंजेस लाएगी. एन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द अकाउंटिंग फर्म विद इन द पास्ट ईयर विल डिसक्वालीफाई द पब्लिक कंपनी टू बी ऑडिटेड. अगर किसी कंपनी में किसी अकाउंटिंग फर्म का एग्जीक्यूटिव या टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा जॉब कर रहा है और फिर वही फर्म आपके लिए ऑडिट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द लिंक विद द अकाउंटिंग फर्म विद एंड द टॉप एग्जीक्यूटिव दैट इज वर्किंग इन योर कंपनी. देन रोटेशन ऑफ अकाउंटिंग फर्म्स कंडक्टिंग ऑडिटिंग, there must be a rotation of or accounting firms. Corporate responsibility, making audit committee independent from the management. Another focus of the Sarbanes-Oxley Act was that they should make independent the audit committee from the management influence. Then the CEO CFO will be responsible for the financial statement. Another focus was toward the CEO and CFO, ki agar kisi kism ki accounting फिगर्स में मिसमैनेजमेंट होती, सो सी ए विल बी रिस्पॉन्सिबल. ऑल दो इट्स दैट इज अंडर द सी एफ ओ, लेकिन चूंकि सी एफ ओ अंडर आता है सी ओ के, सो ऑब्वियसली विल बी रिस्पॉन्सिबल. सेपरेट एनी प्रॉफिट फ्रॉम बोनसेज और स्टॉक सेल दैट नीड टू बी रिस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मिसकंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी कंपनी ने बाई मिस्टेक कुछ अमाउंट एड कर दिए इन योर बोनसेज और इन योर प्रॉफिट और इन योर स्टॉक सेल्स, और आप उसको नेक्स्ट ईयर में शो करना चाह रहे हैं, सो अगर आपको पता चलता है तो ऑब्वियसली यू शुड
रिमूव दैट मनी फ्रॉम योर बोनसेस और स्टॉक सेल्स, और उसको फिर आप रिवाइज करके नेक्स्ट ईयर में आप उसको बता सकते हैं. सो द मेन थीम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज के यू शुड गिव द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन और एक्चुअल प्रॉफिट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द इन्वेस्टर्स. नो स्टॉक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग एम्प्लॉई पेंशन प्ले. देन वी डिस्कस इनहांस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्कलोज रिपोर्ट टू सी SEC within 2 days. All transaction must be disclosed. Another duty जो Servants Auxiliary Act में focus थी वो ये था कि companies they should disclose all their transaction. किसी किस्म की अगर hidden transaction हुई so that must be disclosed in the financial statement. Then encourage code of ethics and report everything to SEC. Another thing is the company should make sure to encourage the code of ethics and report anything to SEC. अगर उसमें कोई changes आती है so the company should report to the SEC Security and Exchange Commission within 2 days. Analyst conflict of interest. Analyst should be separated from the investment banking. Another major focus of Sarbanes-Oxley Act was के जो analyst है जो investment bank का employee होता है basically उसका उसको इन्वेस्टमेंट बैंक से अलग करता है. मीन्स के इन्वेस्टमेंट बैंक का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस उस पर ना हो ताकि एनालिस्ट फ्रीली काम कर सके. ही और शी कैन फ्रीली गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी एंड कन्वे टू द इन्वेस्टर्स. SEC रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी. देन SEC बजट एक्सपेंडेड ग्रेटली बिकॉज इस बोर्ड में जितना कंपनीज को रेगुलेट करना था देयर ऑडिटिंग प्रोसेसेस, देयर इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, सो उसके लिए काफ़ी बड़ी बजट की जरूरत थी. एंड दैट हैव डिस्टर्ब द SEC बजट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन द बजट. कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल फ्रॉड अकाउंटेबिलिटी एंड पेनल्टीज. सर्वंस ऑक्सिलरी एक्ट में काफ़ी पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें फाइन एज वेल एज सेंटेंस इंक्लूड द फॉर द फर्म्स. देन विल द एक्ट बी बेनिफिशियल. द थिंग इज कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जितने भी इन्वेस्टिगेशन, जितने भी उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड. एक्सपर्ट्स की यह राय थी कि मोस्ट ऑफ द रूल्स वर मिसप्लेस्ड और रेपिटेशन, कि जो ऑलरेडी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रूल्स थे, जो ऑलरेडी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स थे, ऑलरेडी जो नैसडेक के रूल्स थे, उसी को रिपीट करके सर्वंस ऑक्सिलरी एक्ट बना दिया गया था. दिस वॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्सपर्ट्स. कैन नॉट गारंटी कॉर्पोरेट स्कैंडल. उसके बाद भी 2002 के बाद एनरॉन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल राइज हुआ था अमेरिकन मार्केट में और काफ़ी बड़ा स्कैंडल था. सो दैट मीन्स कि दैट सॉर्ट ऑफ जो एक्ट था सर्वंस ऑक्सिलरी कुडंट गारंटी टू हैंडल द और टू स्टॉप द स्कैंडल्स इन द मार्केट. एक्सपेंसिव कॉस्ट फॉर फर्म्स एंड नो फर्म वैल्यू. ऑब्वियसली वंस यू गेट सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द सर्वंस ऑक्सिलरी एक्ट, अगर आपकी कंपनी को मिल जाता है वी हैव गॉन थ्रू द ऑडिटिंग प्रोसेस अंडर दिस सुपरविजन ऑफ दिस एक्ट एटसेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन इवन देन अगर आपके पास फिर भी इन्वेस्टर्स नहीं आते, सो हैविंग सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग फ्रॉम देयर एक्सपर्ट्स आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं है. स्टिल डिबेटेबल. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. अदर रेगुलेशंस. न्यू स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट affect non-listed firms as well as other business members like auditors, financial experts. Focus on more independent directors in nominating, compensation and auditing committee. New York Stock Exchange require shareholders approval. All executive equity based compensation plan, it brings transparency. Then we have NASDAQ. Small firms can work with a small number of independent directors, so independent directors can perform the duties of different committees as well as executive compensation. So basically, jo NASDAQ or New York
कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे अबाउट द लिस्टेड फर्म्स, तो उसमें थोड़ा सा फर्क यह था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली दे डील विद द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्जर फर्म्स, काफ़ी फर्म्स हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं. सो ऑब्वियसली दे फॉलो अनदर पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस और रूल्स. उसमें यह था कि यू मस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो आपकी जो कमेटीज हैं, नॉमिनेटिंग कमेटी, जो आपकी कंपनसेशन कमेटी है या ऑडिटिंग कमेटी है, उसको वो चेयर करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू वर्क. जो नैसडेक है, ऑब्वियसली नैसडेक में यू विल सी अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स एंड स्मॉलर फर्म्स. अगर एक छोटी सी फर्म है जिसमें सपोज जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 6 या 7 या 8 है, लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सो कोशिश ये की गई है कि द कंपनी शुड मेंटेन, इफ देयर टोटल नंबर इज 7, सो दे शुड हैव लाइक 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ट्राई टू गेट द मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. लेकिन इतने स्मॉल फर्म में फिर नॉमिनेटिंग कमेटी, इस तरह ऑडिटिंग कमेटी, कंपनसेशन कमेटी अलग करके फिर उसमें से आप अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐड करते हो, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट्स हैपनिंग इन द नैसडेक कि जो अगर स्मॉल फर्म है तो स्मॉल फर्म का जो डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो ये सारे काम करते हैं, नॉमिनेटिंग कमेटी का भी, कंपनसेशन कमेटी का भी और ऑडिटिंग कमेटी का भी. द यूएस गवर्नमेंट इज लुकिंग टू टाइटन द सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. ये जितने भी रेगुलेशंस थे, सर्बन्स ऑक्सल एक्ट का जो रिवाइज्ड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस थे और जो रिवाइज्ड नैसडेक के रेगुलेशंस थे, मेन फोकस वाज कि जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करें ताकि स्कैंडल्स राइज ना हो, एंड यू हैव अ वेरी सेफ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, शेयर होल्डर का पैसा बचा रहे. और मेन फोकस ये था कि अगर आपके पास इतने टाइट रूल्स होंगे, सो दैट विल ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट अदर कंपनीज इन योर मार्केट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी. जितनी भी अच्छी फर्म्स हैं, दे प्रेफर टू गो टू द यूएस फॉर देयर इन्वेस्टमेंट और फॉर देयर बिजनेस. नाउ टुडेज टॉपिक इज मोनोपोली कॉम्पिटिशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि हाउ द मोनोपोली और कॉम्पिटिशन कैन अफेक्ट योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि व्हाट इज मेंट बाय द मोनोपोली. मोनोपोली इज बेसिकली एक होल्ड होता है ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल फर्म, मेजोरिटी ऑफ द मार्केट. सो इंट्रोडक्शन लेक्चर रिव्यूज, फर्स्ट यू विल इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, then the concept, logic and benefits of competitions, then the benefit of competition to stakeholders, and what is good competition policy. So introduction, a monopoly is said to exist where at least one person or a company control 1/3 of a local or national market. Monopoly kya hai ki ek आदमी ये एक कंपनी, दे कंट्रोल 1/3 ऑफ द लोकल और नेशनल मार्केट. द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक इन मेनी कंट्रीज टूवर्ड कंप्लीट और पार्शियल मोनोपोलीज हैज फॉर मेनी ईयर्स बीन वन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑपोजिशन. अब्यूसेस ऑफ मोनोपोलीज आर, सो सपोज अगर किसी मार्केट में लिमिटेड फर्म्स की मोनोपोलीज हैं, तो उसके अब्यूसेस क्या हैं? द फर्स्ट अब्यूस इज हाई प्राइस एंड रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. फर्स्ट अब्यूस वुड बी ऑब्वियसली कि आपको हाई प्राइस मिलेगी, बिकॉज सपोज अगर 4, 5 या 6 फर्म्स सेपरेटली काम कर रहे हैं, एंड सो ऑब्वियसली यू मे फाइंड वेरी चीप प्राइसेस, हाई क्वालिटी एसेट एक्सेट्रा. यू कैन टेक इन पाकिस्तान द एग्जाम्पल ऑफ लाइक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, जिसमें वी हैव लाइक यूफोन, टेलीनॉर, वारिद, जैज एटसेट्रा एक्सेट्रा. सो यू कैन फाइंड चीपर रेट्स, यू कैन फाइंड चीपर कॉलिंग रेट्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक ऑफर्स, एसएमएस ऑफर एंड मेनी अदर्स.
सो बिकॉज ऑफ हैविंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट आपको इतनी हाई प्राइस नहीं मिलती एंड आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है. ऑन द अदर साइड अगर सपोज ये चार पांच फर्म्स आपस में मर्ज हो जाती है एंड दे फॉर्म अ न्यू फर्म अ सिंगल फर्म लाइक टेलीनोर वारिद यूफोन जैज एक्सेट्रा अगर ये आपस में मिलके एक नई फर्म बना लेती है अ सिंगल फर्म बना लेती है सो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू गेट चीपर कॉलिंग रेट्स. फिर आपको कॉलिंग रेट्स भी ज्यादा मिलेंगी आपको जो ऑफर मिलेगी वो भी काफी एक्सपेंसिव बिकॉज द मोनोपोली वुड हैव बीन क्रिएटेड. मोनोपोली बन जाती है कॉम्पिटिशन में कोई नहीं होता तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड सम हाई प्राइसेस. रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्वियसली इन मोनोपोली यू हैव रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि आपके कंपटीशन में कोई नहीं होता तो ऑब्वियसली आपका जो दिल करता है आप वो करते हैं. अब्यूज ऑफ इन्वेस्टर्स बाय मोनोपोलिस्टिक पेंटिंग एलोरिंग पिक्चर ऑफ हाई प्रॉफिट एंड परपेचुअल एक्सप्लोटेशन ऑफ द मार्केट. अनदर अब्यूज ऑफ मोनोपोली इज के हैविंग सॉर्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट आपके साइड में या आपके कंपटीशन में बाकी फर्म्स नहीं होती तो ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी की कोई भी पिक्चर टू द बोर्ड एंड टू द मार्केट आप दिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एंड ही इज अ सिंगल फर्म इन द मार्केट सो वो कह सकती है कि वी आर वेरी गुड एंड वी कैन वी आर परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक अप्रोच बिकॉज ऑफ हैविंग नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट आप अपना कोई भी पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द मार्केट. द नेक्स्ट अब्यूज इज प्रिवेंटिंग इन्वेंशन. ऑब्वियसली अगर मार्केट में मोनोपोली है लिमिटेड फर्म्स की तो उसमें क्रिएटिविटी उसमें इन्वेंशन इज नॉट पॉसिबल. वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि जो अमेरिकन जो मार्केट है दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन मुख्तलिफ फर्म्स हजारों कंपनियां या फर्म्स या बिजनेस रन हो रहे थे सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओवर देयर सो यू मे फाइंड कि आपको नई नई चीजें मिलती हैं इनोवेटिव चीजें मिलती हैं. द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज आर नॉर्मली लार्ज ओवर देयर. सो जब आपके पास कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको नई चीजें ज्यादा मिलेंगी. यू मे फाइंड इन्वेंशंस इन योर मार्केट. इंक्रीजिंग द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. ऑब्वियसली जब एक मोनोपोली जिस मार्केट में होती है तो ऑटोमेटिकली उसका इकोनॉमिक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता गिरता है बिकॉज ऑफ कि आपकी इन्वेशन नहीं होती. यू हैव हाई प्राइसेस दैट कैन कॉज सम सॉर्ट ऑफ लाइक इन्फ्लेशन इन द मार्केट. सो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता गिरती है. देन करप्शन एंड ब्राइबरी एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू सो दैट ऑब्वियसली कैन लीड टू द करप्शन एंड ब्राइबरी बिकॉज के मार्केट में जो कंपनी है जिसने मोनोपोली की हुई है तो इतना अच्छा काम नहीं करेगी करप्शन करेगी इन मेनी टर्म्स. एंड सेम इज द केस कि बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ अ फ्यू कि कुछ लोगों के पास इकोनॉमिक पावर रह जाती है एंड दैट कैन कॉज लाइक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन योर मार्केट. So it is for these reasons that monopoly has been regarded as a social evil and various measures have been designed. In free enterprise economies of control and regulate it or in some cases to eliminate it altogether. So these were some of the reasons ke normally jo monopoly hoti hai usko society सोशल इवल कहते हैं कि ये दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी क्वालिटी दैट इज नॉट गुड फॉर द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. प्राइसेस आपको ज्यादा मिलती हैं एंड मेनी अदर थिंग्स. सो मोनोपोली इज कंसिडर्ड नॉर्मली एज अ सोशल इवल. सोसाइटीज हैव द वैल्यू corporate democracies and better governance practice have enacted anti-monopoly law that have attempted
सोसाइटीज में डिफरेंट किस्म की एंटी मोनोपली लॉज इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका मेन मकसद क्या है? द फर्स्ट इज टू प्रिवेंट मोनोपली फर्म्स फ्रॉम कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस. पहला जो एंटी मोनोपली लॉज हैं, उनका पहला काम यह है कि आपके सोसाइटी में जो फर्म्स की मोनोपली है वो क्रिएट ना हो. लास्ट इफ यू कुड रिमेंबर इन योर मर्जर एंड एक्विजिशन टॉपिक, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब सोसाइटीज में व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ मर्जर्स और एक्विजिशन, सो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स द मोनोपली ऑफ द डिफरेंट फर्म्स. सो उस हाउ वी कैन स्टॉप द ट्रेंड ऑफ मोनोपली इन द फर्म्स बाय स्टॉपिंग द ट्रेंड ऑफ मर्जर्स एज वेल एज द ट्रेंड ऑफ एक्विजिशन इन द मार्केट. जब फर्म्स मर्ज नहीं होंगी, जब फर्म्स एक दूसरे को एक्वायर नहीं कर सकेंगी, इट कुड बी द होस्टाइल टेक ओवर और द डिसिप्लिन टेक ओवर, तो यू मे हैव अ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट और आपकी मोनोपली वो मार्केट सोसाइटी में क्रिएट नहीं होगी. गेट देम डिजॉल्व इफ दे एग्जिस्ट ऑलरेडी और स्प्लिट इन टू नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म्स. सपोज अगर किसी मार्केट में किसी कंपनी की मोनोपली है, तो एंटी मोनोपली लॉ से यू कैन डिजॉल्व दैट फर्म इन टू डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म्स. या तो आप उससे कहें कि आप अलग होकर काम करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में 4-5 मोबाइल कंपनियां एक साथ काम कर रही है, सो गवर्नमेंट ये इन्फोर्स कर सकती है कि आप लोग अलग अलग काम करें, नंबर वन. या अगर वो फर्म गवर्नमेंट अपने हाथ में भी ले सकती है थ्रू नेशनलाइजेशन, क्या आप फर्म को नेशनलाइज कर दें, सो ऑब्वियसली द फर्म विल बी अंडर द गवर्नमेंट हैंड. तो इसी दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स थ्रू एंटी मोनोपली लॉज के आप एक मोनोपलिस्टिक फर्म को सेपरेट कर सकते हैं, ताकि मार्केट में यू मे हैव कॉम्पिटिशन और आपको अच्छी सर्विस और अच्छी प्रोडक्ट मिले. प्रिवेंट मोनोपली फर्म्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. अगेन कि मोनोपली एंटी मोनोपली लॉज के थ्रू यू कैन स्टॉप द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और जिससे आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, सो ऑब्वियसली थ्रू एंटी मोनोपली लॉज यू कैन प्रिवेंट और यू कैन स्टॉप दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रेफर्ड to a monopoly for a variety of reasons. Number one, the consumer stand to gain under it because of low price available due to intense competition. We have studied it ke competition se aapko low price milti hai. Firms avoid wastages and duplication of efforts as they have to be competitive. ऑब्वियसली वेन यू हैव कॉम्पिटिशन द मार्केट, एक मार्केट में 5 या 10 कंपनीज एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में है, तो ऑब्वियसली फिर कंपनीज बहुत केयरफुल काम करेगी, इतना वेस्टेज नहीं करेगी, इतना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मतलब काम करेगी तो एफर्टलेस नहीं होगा, मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ दे विल बी लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट फ्रॉम देयर एफर्ट्स. द फर्म टेंड टू बी एफिशिएंट इन अ सिस्टम ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कॉम्पिटिशन में फर्म्स अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं एंड दे आर बाउंड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अगर उनका दिल ना भी करे लेकिन उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए काम करना होता है. दे मैक्सिमाइज द गेन्स बाय डिप्लॉइंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज. Another aspect or another benefit of the competition is ke company phir customers ke taste aur preferences ko prefer karta hai rather than placing their intentions. Company phir apne intentions ko nahi dekhti, company phir dekhti hai ki customer kya chahta hai, because agar wo apne customers ka care nahi karegi, agar wo apne customer ki taste
और प्रेफरेंसेस की केयर नहीं करेगी तो बाकी फर्म्स बाजी ले जाएंगे एंड वो उनकी फर्म को नुकसान हो सकता है. सो कंपटीशन में यू हैव टू द फर्म हैज टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सो कंपटीशन इज दस कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मार्केट सिचुएशन एंड इट्स क्लोजेस्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस. सो कॉम्पिटिशन इट सेल्फ कैन रेगुलेट द गवर्नेंस इशूज इन द मार्केट बिकॉज मोनोपोली में एक सिंगल फर्म होती है. सो देयर मे बी सम प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस इशूज लेकिन कॉम्पिटिशन में वेन डिफरेंट फर्म्स आर कम्पीटिंग विद ईच अदर सो ऑब्वियसली जब वो अच्छा काम करेंगी बोर्ड अपना काम करेगा मैनेजमेंट अपना काम करेगी डायरेक्टर्स अपना अच्छा काम करेंगे बिकॉज दे हैव टू कम्पीट इन द मार्केट. मार्केट में सर्वाइवल के लिए दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट्स हाउ कॉम्पिटिशन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग टूल टूवर्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. द कॉन्सेप्ट लॉजिक एंड बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. सम ऑफ द बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉम्पिटिशन मार्केट्स आर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. कॉम्पिटिशन से नॉर्मली यू हैव सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन द सोसाइटी इन द मार्केट. एज यू हैव डिस्कस्ड अमेरिका में द मेन रीजन ऑफ हैविंग सच कॉम्पिटिशन इज कि वहां पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है इनोवेशन ज्यादा होती है क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा होती है. इफ यू कैन रिमाइंड और इनिशियल लेक्चर्स जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली दैट इज सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटीज. इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटीज में यह होता है कि आपका फोकस इज ओनली टूवर्ड योर सेल्फ. यू हैव नो सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज और लिमिट्स. सो उसमें यह होता है कि ऑन द अदर साइड इन द ईस्ट वी हैव लाइक ग्रुप बेस्ड सोसाइटीज जिसमें काफी बाउंड्रीज होती हैं काफी बॉन्ड्स होते हैं. इफ यू वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग आपको काफी बॉन्ड्स आके रोकते हैं. सो वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अपने जो फ्रेंड्स वो प्रेशराइज करेंगे कि भाई जॉब ना छोड़ो फिर फैमिली एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ईस्ट में वी हैव लाइक ग्रुप बेस्ड सोसाइटीज तो उससे ये होता है कि दैट बेसिकली स्टॉप योर क्रिएटिविटी. अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो आप आगे नहीं जा सकते. ऑन द अदर साइड इन द वेस्ट वी हैव लाइक इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटीज जहां पर इफ समबडी वांट टू स्विच हिज और हर जॉब सो वो किसी की परवाह नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. सो इससे ऑटोमेटिकली दैट पॉलिश योर स्किल्स दैट डिवेलप योर स्किल्स दैट इन्हांस योर क्रिएटिविटी. सो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर कल्चर लीडिंग टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. जब आपका कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा यू हैव लाइक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज कल्चर इन द मार्केट सो आपके प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा बनेंगे एंड आपके सेलर्स भी ज्यादा बनेंगे. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सप्लाई कैपेबिलिटीज. ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन से यू हैव अ लार्ज ट्रेंड ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. लोग आते हैं बिजनेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंपनीज में या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेंड इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर डिवेलपिंग कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजीज थ्रू सस्टेन्ड रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एफर्ट्स. सो जब आप कि सोसाइटी में कंपटीशन ज्यादा होगा सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर रिसर्च यू विल गो फॉर द डेवलपमेंट एफर्ट्स कि हाउ आई कैन रिड्यूस माय कॉस्ट हाउ आई कैन इनकरेज और हाउ आई कैन अट्रैक्ट माय कस्टमर्स टू माय फर्म एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव कंपटीशन इन द मार्केट. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी मुल्क में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो उसी में बहुत ज्यादा पैसा लगा के इन्वेस्ट करेगा तो उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमेरिका. सपोज अमेरिका इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री लाइक जिसमें पैसा लोगों के पास ज्यादा है. सो द पीपल दे डोंट गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बल्कि वो अपना पैसा लगाते इन रिसर्च
उससे क्या होता है कि रिसर्च से उनके पास एक नई चीज आती है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, एक इनोवेटिव चीज आती है, सो विद दैट दे कैन अर्न मोर. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में मे बी उन्होंने ज्यादा जो उनका रेवेन्यू है वो शायद जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं लाइक बड़े बड़े जहाज बनाना, बड़े बड़े वेपन्स बनाना, उनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया होगा जितनी छोटी चीजों से किया होगा, इनोवेटिव चीजों से लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईटी एटसेट्रा एटसेट्रा. सो कॉम्पिटिशन बेसिकली पुश यू टुवर्ड द रिसर्च और टुवर्ड द डेवलपमेंट एफर्ट्स. सो रिडक्शन इन वेस्टेज एंड इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन से यू हैव लाइक रिडक्शन इन योर वेस्टेज एंड इम्प्रूवमेंट इन योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर कस्टमर फोकस एंड ओरिएंटेशन, एंड इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी फॉर एंट्रिंग एंड टैपिंग फॉरेन मार्केट्स. कॉम्पिटिशन इनकरेज यू और पुश यू टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स फॉर योर कंपनी, फॉर योर प्रोडक्ट. कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रेंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, तो आपको ग्रो करने का, आपके बिजनेस को ग्रो करने का काफी मौका मिलता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट का बेटर रिसोर्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वाइडर रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स. आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज के वाइडर रेंज आपको मिलती है, लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ लाइक टेली कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान. और कंज्यूमर चॉइसेस दे, फिर वो देखते हैं कि कंज्यूमर चाहता क्या चाहते हैं, बजाय इसके कि कंपनी क्या चाहती है, दे वांट टू नो द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, और फिर उसी को फॉलो करते हैं और उसी में कंपीट करते हैं. सो ऑन अकाउंट ऑफ दीज परसीव्ड बेनिफिट्स गवर्नमेंट इन फ्री इंटरप्राइज कंट्रीज टेक स्टेप्स टू जनरेट एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन. दिस हाउ एवर रिक्वायर्स अ सुटेबल इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एज वेल एज appropriate macroeconomic policy setup. So, इतने benefits को देखते हुए government भी चाहती है कि they should have a sort of like a free enterprise system in the country. उसके लिए फिर वो regulations बनाते हैं, policies बनाते हैं, और फिर उसको through different agencies they want to make sure कि आपके मुल्क में monopoly ना हो और competition बढ़े. Regulation of competition. While it is important and necessary to promote competition among firms to enable consumers gain maximum advantage from the free market economy, an unregulated competition is bad and may even lead to unmitigated disaster and destruction of the nation's wealth. जब आपके सोसाइटी में कंपटीशन है और गवर्नमेंट भी चाहती है, सो उस कंपटीशन को लीगली रेगुलेट करना, उसको चेक करना, दैट इज वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट्स. अगर आप उस कंपटीशन को प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे, सो ये कंपटीशन समहाउ कैन डिस्ट्रॉय योर नेशंस वेल्थ. प्रॉपरली रेगुलेट करने से आप उसको हैंडल कर सकते हैं फॉर योर सोसाइटी बेनिफिट. द रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन यूजली रिक्वायर अ कॉम्पिटिशन पॉलिसी बैक्ड बाय एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन. कॉम्पिटिशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कॉम्पिटिशन लेवल को फेवरेबल बनाने के लिए, यू मस्ट हैव we must require sort of competition policy जिसको आपका legislation, आपका कानून उसको तहफ़ुज़ दे. There are three basic areas of such competition policies: control of dominance firms by regulations. For example, किसी society में काफी छोटी छोटी firms के दरमियान competition है, so with that competition we have very cheaper prices, high quality products, etcetera, etcetera. So for example, एक बहुत बड़ी firm आती है आपके market में enter होती है, so obviously that can disturb
योर कंपटीशन लेवल। सो उस चीज को रोकने के लिए, किसी एक फर्म की डोमिनेंस को रोकने के लिए, यू मस्ट हैव लाइक सॉर्ट ऑफ प्रॉपर रेगुलेशंस टू कंट्रोल द कंपटीशन इन द मार्केट, कंट्रोल ऑफ मर्जर्स टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इमर्जेंस ऑफ मोनोपोलीज। ऑब्वियसली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस, as you know that we discussed in our merger and acquisition topic, ke firms ki taraf se bhi as well as state ki taraf se bhi there are certain regulations ke jisse aap companies ke darmiyan jo merger ya acquisition hota hai usko aap stop kar sakte hain। And obviously jab aapke society mein merger ya acquisition ka itna trend nahi hoga, to obviously you will have more competition इन द सोसाइटी। तो ये आप कब होगा कि वेन यू हैव अ प्रॉपर लेजिस्लेशन, यू हैव प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, कंट्रोल ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एक्ट्स लाइक फुल लाइन फोर्सिंग एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग। जो एंटी कॉम्पिटेटिव या एंटी मोनोपोली जो एक्ट्स हैं, आप उसको भी लीगली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट्स हैं, अगर कोई एक फर्म इफ दे वांट टू गेट द फुल लाइन फोर्सिंग, मींस के कंट्री में या किसी सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज हैं और एक फर्म आके सारे रिसोर्सेज अपने पास लेना चाहते हैं, सो विद द लॉ और विद द लेजिस्लेशन यू कैन स्टॉप दैट सॉर्ट ऑफ फुल लाइन फोर्सिंग, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई फर्म if they simply reduce their prices at a very deep discount, काफी उन्होंने अपनी प्राइस कम कर दी है, जिससे आपका जो सोसाइटी का कॉम्पिटिशन लेवल है वो खराब हो सकता है, सो उसको भी आप थ्रू एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट यू कैन स्टॉप दैट सॉर्ट ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स कि आप अपनी प्राइस इतनी कम कर ले अपने प्रोडक्ट की कि बाकी मार्केट में आपके पास जो दूसरे कंपटीशन में है वो उनकी मार्केट या उनकी बिजनेस खराब हो सकती है। इन अदर वर्ड्स दैट इज नॉर्मली वी कॉल लाइक द डंपिंग पॉलिसीज। डंपिंग पॉलिसीज ये है कि नॉर्मली आप इतना एक्सेसिव प्रोडक्शन करो कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इतनी कम हो जाए कि जब आप मार्केट में उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं सबको आप अफेक्ट करते हैं। जब सबका बिजनेस डूब जाता है या खत्म हो जाता है तो देन यू इंक्रीज योर प्राइसेस। सो उसके लिए फिर वी हैव लाइक सॉर्ट ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसीज के इंटरनेशनली उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली इस चीज में डंपिंग पॉलिसीज में या एंटी डंपिंग जो पॉलिसीज हैं नॉर्मली काफी चाइना ने इसमें सफर किया, बिकॉज चाइना वॉज इन द पास्ट इन्वॉल्व इन द डंपिंग पॉलिसीज के वो ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन करके मार्केट में प्रोडक्ट काफी चीपर रेट पे वो इंट्रोड्यूस करता था, सो जिससे जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स को नुकसान हुआ, लेकिन इवन देन दे फ्लरिश्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर लिमिटेड कॉम्पिटिशन। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी गेज पुअरली इफ यू लुक एट द रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट्स वेयर कॉम्पिटिशन इज रिस्ट्रिक्टेड रेगुलरली और रेगुलेटरी बैरियर्स एंड फर्म लेवल प्रैक्टिस हैव टेंटेड टू लिमिट द स्कोप ऑफ कॉम्पिटिशन इन टेक ओवर्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन बोथ इन इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज। In more advanced markets, it was found that as regulatory barriers were imposed on corporate control transactions, managerial efforts and board supervision become weak. Firm tried to postpone addressing business problems. Corporate performance generally declined with the adverse consequences for shareholders. Society may suppose अगर कंपटीशन है, लेकिन अगर उसको कंपटीशन को गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टॉप कर रहे हैं बाय इंपोजिंग डिफरेंट
सॉर्ट ऑफ स्टेप्स लाइक काफ़ी आप जो कंपटीशन में कंपनीज इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर आप उसको टेरिफ्स दे रहे हैं, उस पर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, आप उनका कोटा कम करें एंड मैनी मोर. सो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सो वो जो आपके मार्केट का जो कंपटीशन लेवल है उसको अफेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं. ऑब्वियसली जब बिजनेस अफेक्ट होगा तो आपके पास जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी, डिक्लाइन होगी. सो गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की लिमिटेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म्स कैन रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कंस्ट्रेंट्स टू कंपटीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. अमंग डेवलपिंग कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मोर रेलिवेंट सिचुएशन. कंस्ट्रेंट टू कंपटीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. अमंग डेवलपिंग कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मोर प्रेवेलेंट सिचुएशन. देयर आर डाइवर्स कंस्ट्रेंट रेंजिंग फ्रॉम एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस बाय फर्म्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनरशिप एंड एंटिटी. मीन्स एक मार्केट में एक फेयर कंपटीशन जा रहा है, काफ़ी फर्म्स कंपीट कर रही है, लेकिन अगर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपने दीज आर द पॉलिसीज, दीज आर द रूल्स, आप इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ऑल्दो देयर इज अ कंपटीशन, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन आती है तो ऑब्वियसली दिस कैन डिस्टर्ब द फर्म्स परफॉर्मेंस. फ्रीक्वेंटली एंट्री बैरियर्स आर डिस्गाइज्ड एज रेगुलेशंस purportedly designed to serve the public interest. In fact, these policies usually give the preferred producers and service providers a profit in excess of competitive returns. Such profits, however, come from distorted prices, which is truly a hidden tax on consumers. So basically, government kyun karti hai? Because the government, they always say ki we should work or the companies should work in the best public interest. Ki hum public ke interest ke liye ye kaam kare. So that was basically the trend ki maximum companies ko phir government nationalize kar deta hai, apne haath mein le leta hai. And that trend has been seen in different countries, in Pakistan, even in India. The resulting burden is borne by the society as a whole. India was a classic example where in the government adopted between 1951 and 1919 a highly restricted policy in the name of import substitution and protection of home industry, which resulted in gross inefficiency, high prices, shoddy goods and an overheated economy. In such a system, corruption and black money abounded and corporate governance was unheard of. Means ke government ek society mein companies kaam kar rahi hai, ab government beech mein interrupt karti hai that we want to have the public interest, so by importing ya by imposing different sort of taxes or quotas or tariffs etc etc. सो इससे क्या होता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कम होती है, प्लस अगेन यू मे फेस सम हाई प्राइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अच्छी सोसाइटीज में नॉर्मली गवर्नमेंट अगर इंटरप्ट नहीं करती, यस दे कैन कंट्रोल देयर कंपटीशन लेवल, लेकिन अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरप्ट करेगी सो ऑब्वियसली दिस कैन डिस्टर्ब देयर परफॉर्मेंस. सो अगर गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करेगी लेकिन सिर्फ ओवरलुक करेगी, उनको रेगुलेट करेगी, सो यू मे फाइंड सॉर्ट ऑफ गुड प्राइसिंग एंड बेटर क्वालिटी. सो दिस जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ये ट्रेंड बहुत है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया एटसेट्रा, जिसमें गवर्नमेंट बहुत इंटरवेंशन करती है. मार्केट में काफी कॉम्पिटिशन है, काफी कंपनीज है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से बाय इम्पोजिंग different sort of taxes etc etc unki performance kam ho jati hai. If you look at the west to usme government itna intervene nahi karta, itna interfere nahi karta with the
कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, तो उसमें कंपनीज काफ़ी फ्लरिश करती है। जो दुनिया में मोस्टली जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट जो टॉप 100 में, ऑलमोस्ट टॉप 100 की वो वेस्ट की तरफ से हैं, एक्सेप्ट विद सम मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक दो तीन मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो वेस्ट की तरफ से। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतनी नहीं है, दे आर सिंपली कंट्रोलिंग, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करें या नहीं कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अपने शेयर होल्डर का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। सो लेकिन बाकी उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते या उसको बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन ईस्ट में ये ट्रेंड नहीं है। बैंक्स रोल एंड रिस्ट्रेनिंग इमर्जेंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, बैंक विच प्ले एन प्रीडोमिनेंट रोल इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इन डेवलपिंग कंट्रीज मेंटेन कोजी रिलेशनशिप विद एस्टेब्लिश एंड ऑफन वेल कनेक्टेड बिजनेसेस। In some countries, commercial firms also own and control major domestic banks, creating business conglomerates or business corporations with in-house source of easy financing for themselves. This was the case in India before 20 of these banks were nationalized in 1960 and thereafter. कि बैंक्स का काफ़ी बड़ा रोल है इन द सिक्योरिटी मार्केट्स। मोर जनरली प्रेफर्ड एक्सेस टू बैंक क्रेडिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द नीड ऑफ इनकम्बेंट फर्म्स टू रिलाई ऑन सिक्योरिटीज मार्केट वेयर एक्सटर्नल फाइनेंशियल आल्सो ऑफन डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट इंसाइडर्स। जब आपकी मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन ज्यादा होगी, if there is suppose of some trend of insecurity, then normally people or the investors they will go for the banks rather than to invest in the security markets. So lack of competition promotes ownership concentration. So lack of competition accentuates ownership concentration. So automatically jab market mein गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज्यादा हैं, इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द मार्केट, तो आपकी मार्केट में जो ऑनरशिप वो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेट होती रहेगी, सुगड़ती रहेगी। वो कैसे? दे मे चूज टू रिमेन अ प्राइवेट फर्म, फिर कंपनीज पब्लिकली या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं बनेगी। अगर किसी का कोई प्राइवेट बिजनेस है, सो दे विल नॉट गो फॉर देयर फर्म, फॉर देयर कंपनी टू बिकम पब्लिक and may go public but without giving up control, either by retaining a controlling stake or by issuing non-voting shares. So jab market mein risk hai, market mein government ki intervention bahut zyada hai, so obviously if you have a private business aap usko register nahi karenge publicly, number one. Ya agar aap usko publicly register karte hain to aap jo stocks जो शेयर्स इश्यू करते हैं जनरल पब्लिक में, सो नॉर्मली यू गो फॉर द नॉन वोटिंग शेयर्स। नॉन वोटिंग शेयर्स वो हैं कि जिसमें शेयर होल्डर के पास ये राइट होते हैं टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट, टू गेट द डिविडेंड फ्रॉम द मार्केट, लेकिन उनके पास वोट करने का हक नहीं होता। सो ये एक किस्म का डर है इन द मार्केट कि जिसमें आपके कॉम्पिटिशन लेवल ऐसा ऐसा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, मार्केट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उस सीन में फिर कंपनीज या तो प्राइवेटली काम करती है या अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन भी जाती है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली दे इश्यूड सम सॉर्ट ऑफ नॉन वोटिंग शेयर्स के इन्वेस्टर के पास राइट तो हो टू गेट द बेनिफिट और द प्रॉफिट और डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, लेकिन अपना ओपिनियन देने के लिए किसी किस्म की वोटिंग में वो अलाउ नहीं होता। सो रिसर्च फाइंडिंग्स शो दैट अ हायर share of leading firms remain private in less competitive markets. So research ये कहती है कि जब आपका less competitive market होगा तो उसमें most of the जो business होगा that will be privately owned. Benefits of competition to stakeholders.
कंपटीशन इम्प्रूव बेसिकली द कंडक्ट ऑफ मैनेजर्स एंड दे अंडरस्टैंड दैट इन सच मार्केट ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव. ऑब्वियसली कंपटीशन से जो मैनेजर्स हैं दे आर एट स्टेक, मीन्स कि अगर वो काम नहीं करते सो दे विल बी गेट फायर फ्रॉम द बोर्ड. सो ऑब्वियसली कंपटीशन का इफेक्ट पड़ता है आपके जो मेन स्टेक होल्डर है ऑब्वियसली योर मैनेजमेंट या योर एम्प्लॉयज, उस पर काफी असर पड़ता है. दिस इन टर्न इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसेस प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड मेंटेन्स और इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रिटर्न इन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट. इन अ मच फेयर मार्केट दे इंजॉय अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम कॉम्पिटेटिव प्राइसेस. टेक्निकली अपडेटेड प्रोडक्ट्स एंड अदर कंज्यूमर्स फ्रेंडली पॉलिसी सच एज ईजी एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड लॉन्गर वारंटीज. आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिलती हैं, यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चीप प्राइस एक्सेट्रा. सो दीज बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन कैन बी एनालाइज फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स. दो एस्पेक्ट्स हैं थ्रू विच वी कैन एनालाइज द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड कॉम्पिटिशन इन द कैपिटल मार्केट. कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट मार्केट, इंक्रीज कॉम्पिटिशन कैन इंक्रीज शेयर होल्डर एंड कंज्यूमर वेलफेयर. कॉम्पिटिशन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस. इट एड्स इन डिफेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोविजन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मेजर परफॉर्मेंस. दैट इज इट इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी इन ऑल ऑपरेशन. कॉम्पिटिशन टू विन मार्केट शेयर ड्राइव्स ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन. इट पासिस ऑन लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स एंड एलिमिनेट मोनोपोली रेंट्स. बेंचमार्क परफॉर्मेंस मेजर्स आर अवेलेबल थ्रू रेफरेंस टू कॉम्पिटिटर्स अनलाइक इन मोनोपोली. इट इनकरेजेस अ कस्टमर ड्रिवन मार्केट रादर देन प्रोडक्ट ड्रिवन मार्केट. मीन्स के कॉम्पिटिशन होने की वजह से यू कैन मैच, यू कैन सी अदर प्रोडक्ट्स दैट इज इन कॉम्पिटिशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स. सो आप बेंचमार्क भी क्रिएट कर सकते हो कि कंपनी में सपोज अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सो यू कैन गेट द बेंचमार्क फॉर दैट प्रोडक्ट और अपना प्रोडक्ट उसके मुताबिक या उसके कॉम्पिटिशन में आप ला सकते हैं. इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट द कंज्यूमर डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस मैकेनिज्म. कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट मार्केट इज जनरली एसोसिएटेड विद द एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. कॉम्पिटिशन इनकरेजेज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लोएस्ट कॉस्ट एंड प्राइसेज. नाउ कॉम्पिटिशन इन अ कैपिटल मार्केट, वेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू कंज्यूमर्स इन द प्रोडक्ट मार्केट कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड एंड मे रिफ्लेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. इट मे नॉट बी सो डायरेक्ट इन द केस ऑफ कैपिटल मार्केट. सो प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर इज डायरेक्टली लिंक्ड बेसिकली विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. ऑफन कॉम्पिटिशन मे अंडरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिटवीन कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल द विलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड रेस्क्यू टू फर्म्स इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हिंजेस इन द एक्सपेक्टेशन दैट दीज इन्वेस्टमेंट विल यील्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न. कैपिटल मार्केट कॉम्पिटिशन यह है कि अगर आपके पास, इफ यू आर कॉम्पिटेंट इन द मार्केट, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, इफ यू हैव गुड फाइनेंशियल पोजिशन, सो आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी फिर लिंक ठीक होगा, आपको फिर लोन भी मिल सकते हैं, यू मे हैव सम सॉर्ट ऑफ मोर क्रेडिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो कैपिटल मार्केट में कंपटीशन इन सेंस दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस इन द आई ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ताकि फिर वो आपके साथ अच्छा डील करें, आपके साथ अच्छा लिंक रखें. On the other hand, limitation on competition in financial market may result in monopoly exploitation of borrowing firms. That a firm that remains competitive will be able to get required funds through the capital market. So, agar market mein competition nahi hai, monopoly hai, so that again will not be beneficial for the customers. So, competitive
ट्रेंड में आप काम करेंगे तो आपको फंड्स मिलेंगे थ्रू द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. फर्म्स हैव अ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल एडवांटेज इन इन्फ्लुएंसिंग द लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी एजेंडा. एंड एडवांस कंट्रीज पावरफुल कमर्शियल इंटरेस्ट मे नॉट ऑलवेज प्रिवेल बट इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कॉम्पिटिटिव ओपिनियंस आर मोर लिमिटेड. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्ट ग्रुप आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन फर्दरिंग देयर ओन एजेंडाज. इट इज ऑफन अलाइज दैट द स्ट्रीट स्मार्ट कंपनीज दैट वाइल्ड इनॉर्मस पोलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रो मच फास्टर देन दोज विच आर प्रेफर्ड टू बी इंडिपेंडेंट. दे कुड नॉट ग्रो मच दो दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर जनरेशन. इनकम्बेंट फर्म्स ऑफन यूज देयर पोलिटिकल इन्फ्लुएंस टू इंस्ट्रेंज द पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स. सो ऑब्वियसली कंपनीज अगर आपका कॉम्पिटिशन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है मार्केट में तो ऑब्वियसली लिमिटेड फर्म्स दे विल गो फॉर द पोलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ग्रोथ. लेकिन अगर कॉम्पिटिशन काफी सख्त है सो फिर इतना पोलिटिकल इन्फ्लुएंस वुड नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल. कॉम्पिटिशन एंड द पोलिटिकल गवर्नेंस. पोलिटिकल गवर्नेंस इंक्लूड द रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड प्रोसेस. इट इन्वॉल्व पॉलिसी मेकिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट. मोनोपोलाइजिंग और लैकिंग ऑफ कॉम्पिटिशन जनरली कैन इफेक्ट द पोलिटिकल गवर्नेंस एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इफेक्ट ऑफ मोनोपोली ऑन पोलिटिकल गवर्नेंस. In such a state of affairs, the political and economic control may be too concentrated. Democracy and competition get undermined. There is reduced political accountability and transparency. There is increased corruption. Shareholders' interest may be confused and or compromised by multiple or conflicting objectives. Normally, मोनोपोली अगर होगी सो दैट विल बी अगेन कैन इफेक्ट योर पॉलिटिकल गवर्नेंस. के फिर आपके पॉलिटिकल जो गवर्नेंस है उसके पास दूसरी चॉइस नहीं रहती. जब वो एक ही कंपनी काम करी सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं उन पे या फेवर करती है नॉर्मली. सो दिस कैन कंफ्यूज द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स. इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Examples abound where due to deliberate state policy and with little objective regulations, politically influential family-owned companies emerge as winner, thwarting even the limited competition. कि होता फिर क्या है कि low competition में जो family-owned companies हैं वो ज़्यादा flourish करती हैं. So management are not interested in putting in place any corporate governance practice. Their focus is distorted away from commercial objectives toward political influence. Jab family owned businesses market mein aati hai to obviously their main focus is not toward the corporate governance practices. Political favors weaken management and accountability. There is a lack of transparency and so there is reduced incentives to invest and increased risk in equity markets. Obviously फैमिली ऑन बिजनेसेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता टूवर्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो दैट ऑब्वियसली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड दैट इंक्रीजेज द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द इक्विटी मार्केट. इनकरेजिंग गुड गवर्नेंस. कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल इनकरेज गुड गवर्नेंस. द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स can be very important in enforcing good governance, particularly where there is a complexity and other issues that make shareholders monitoring difficult. Takeover codes should be not be captured but should maintain a consumer and shareholder focus. Competition is only part of solution. Competition is not the only solution to the myriad of problems that exist in the such economies. There is a need to regulate certain fiduciary relationship. Steps should be taken to prevent
एक्सप्लोटेशन एंड और एब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर शुड बी सिचुएशन ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. सो कंपटीशन इटसेल्फ इज अ टूल टू सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स अमंग द कॉर्पोरेशंस. So today, this is a summary of our today's topic. We studied today about the monopoly. That is one of the is one person or company control 1/3 of the local and national market. Abuses of monopolies are high prices, wrong allocation of resources, abuse of investors or market by giving wrong information, preventing inventions, economic instability, corruption and bribery, economic power in the hand of few. Anti-monopoly laws are basically prevents firm to make monopoly and prevent unfair price discrimination. Competition firm is preferred because a competitive firm is preferred because of having low prices. Avoid wastages for competition, efficiency and consumer taste and preferences. So competitive firms basically inka fayda ye hota hai ki you have low prices, avoid wastages, efficiency and consumer taste and preferences. Then the concept of logic and benefits of competition, like entrepreneur culture leads to more producers and sellers, increased supply capabilities, cost cutting through research efforts, reduction in wastages and improvement in efficiency and productivity, customer focused and more access to foreign market, favorable environment for trade and investment, best resource utilization, wide range of available goods and services. These were basically some major benefits of competition. Regulations of competition. Competition must be regulated through some legislation which helps in agar aap ki society mein, if there is some sort of proper legislation, so uska fayda kya hai? First is firms dominance aap control kar sakte hain, prevent monopolies, controlling anti competitive acts like full lining forcing and predatory pricing. So this is how you can control all these aspects of competition. So corporate governance under limited competition, regulatory barriers weaken the managerial efforts and board supervision lead to governance issues. So government ki taraf se jab intervention zyada hoti hai bajaye iske ki wo usko control kar usko facilitate kare, jab zyada intervention hogi to obviously problem aayegi management aur board mein. Constraints to competition in developing countries, obviously nationalization and public interest cause constraints to firm to work efficiently. Banks are in restraining emergence of securities market, banks credit reduces. The need to invest in the security market, banks can only can play a vital role in analyze the company's value for further business. The lack of competition promotes ownership concentration, more competitive markets results in more public firm and a less competitive market results in more private firms. If you have more competition in the markets, you may have you may seen more public companies in the market. Agar aapke society mein competition itna zyada nahi hai, so obviously you will see private firm or private businesses in the market. Benefits of competition to stakeholders, obviously the managers and the product and many more. Benefits of competition, competition in the product, basically key competition jo product market mein aur capital market mein. In product market we have quality products and low prices. Competition in capital market we have like relationship of firms and financial institutions. सो जितना आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी उतना ही आपका अच्छा लिंक होगा विद द फाइनेंशियल्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फर्म्स कैन टेक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर देयर बेनिफिट्स. मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैन लीड टुवर्ड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वुड रिजल्ट इन बैड गवर्नेंस.
अगर कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगा, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू गेट द बेनिफिट ऑफ द और द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टीज, एंड कंपटीशन इज द ओनली सॉल्यूशन. कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली यू मे हैव अ डिस्करेज ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. कंपटीशन में फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ आपके पास कंपटीशन ज्यादा है. सो दैट इज गुड फॉर द मार्केट एंड फॉर द कस्टमर. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.